जोगींको एलएनए डीएनए कौन? अयोध्या संबल बांग्लादेश जोगी कहले समस्त डीएनए एक। सीएम जोगी हिंदुत्व को नहीं सबुठू हार्डलाइन नहीं संबल उपर राजनीतिर जवाब बाबर बांग्लादेश डीएनए रे। संबल हिंसा को नहीं जोगी मनरे कौन अच्छी डीएनए रु जना पड़गला। सीएम जोगी हिंदुत्व प्रसंग में हार्डलाइन नियंती समस्त जानती कि संबल होता हिंसा आ संबल जामा मस्जिद सर्वे पर जोगी एत हार्डलाइन ने गोटे कथा स्पष्ट जे जोगी माइंड रे किछि ना किछि चली जो भाव सड़क रु संसद जाए समाजवादी पार्टी आउ कांग्रेस नेता संबल संबल कर यूपी पुलिस आउ यूपी सरकार उपरे प्रहार करुछंदी। आपण निहाती सुनिथिबे सौ सोनार की एक लोहार की से भली भावे राजनीति रे जदि कहा जाए तबे भूल हेबनी जे सौ विपक्ष की एक योगी आदित्यनाथ की। हाँ आज्ञा हिंदुत्वर गोटे प्रहार रे ही विरोधी को बिलबिलेबा को बाध्य कर दियंती सीएम योगी आदित्यनाथ। संबल को जीवापाई हम हम होता विरोधी आउ संसद रे संबल सर्वे को नहीं प्रश्न उठा इंडिमेंटर नेता सीएम योगी कहीदेइछन्ति जो कुकर्म बाबर अयोध्या करथला जो भाव हिंदुत्व बांग्लादेश अत्याचार होती जो भाव संबल हिंसा होती तार डीएनए भी एक अर्थात तीनटी स्थान रे स्वभाव एक। सुमन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना, किसी को अगर गलत फहमी हो 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपाही सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संबल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति तीनों का डीएनए एक जैसा है, गलत फहमी में मत। सीएम योगी निजर मैसेज भी लाउड आउट क्लियर दियंती। कटेंगे तो कटेंगे रो नारा दे बीजेपी को पूर्ण थरे शक्ति देथवा योगी आदित्यनाथ विरोधी को ऊपर बांटिबा और काटिबार राजनीति करथवार अभिजोग भी करछंदी आ हिंदू मानकर एकजुट हेबार डायरेक्ट मेसेज मध्य देछंदी अर्थात गोटे तीर रे दुईट निशाना फल विरोधी भी चितपटांग आ जोगी को हिंदुत्व कार्ड भी चल जीव। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विदेश को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते, चंद मुट्ठी भर आक्रांत आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते, भारत के वीर योद्धाओं ने रौद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम जोगी उपनिर्वाचन में समाजवादी पार्टी को परास्त कर कहीं अग्नि परीक्षा थी सीएम जोगी जहाँ जितना ना केवल अनिवार्य था बर मेसेज भी देवार था जो हिंदुत्वर राजनीति से करती से बेस दमखम अच्छी आ 2027 यूपी निर्वाचन में हिंदुत्व को नहीं लाइन आहरी हार्ड होबार अच्छी। कांग्रेस आ समाजवादी पार्टी संबल हिंसा बाहन मुसलिम को भोट एकत्रित कर सुजोग अच्छा हिंसा पाई सीधा सीधा यूपी पुलिस को दायी करी यूपी सरकार को ही टारगेट कर एमितरे जोगी संबल को नहीं सबू मोगल को डीएनए सह जोड़ी आ मेसेज देखते
हिंदू एकाठी रहा सामाजिक विदेश को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते। ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांत आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी विरोधियों ऊपर बांटिबा और काटिबार प्रहार अयोध्यार ही करिसंती। सीएम योगी अयोध्या जाइथिले पुणि रामायण मेलार उद्घाटन करबाकु, आउ से संबल रे होइतिबा हिंसा को नै राजनीतिर जवाब बांग्लादेश रे हिंदूंक ऊपर हेतबा अत्याचार रे दैछंती। सीएम योगी भलो भाबे जानिसंती 2024 लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी को अयोध्यार बड़ झटका लागिछि, जेतेबेले कि मोदी और योगीक राज्य रे अयोध्यार राम मंदिर निर्माण होउछि, सेथिपय एबे अयोध्यार ही हिंदू को एकजुट हेबा पई डायरेक्ट संदेश देइछंती। फल आगामी निर्वाचन गुड़िक विरोधी हिंदू को जातिवाद भितर बांटार प्लान जमी फेल हो। रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।